तो नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली ट्रेनिंग आपको दी जाती है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज अपनी अगली वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो अनलॉक टूल के माध्यम से हम चाइनीज मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे। तो कल के यानी पहले के टॉपिक में मैंने आपको यह समझा हुआ था कि सैमसंग मोबाइल फोन को कैसे ठीक करेंगे, ये सैमसंग मोबाइल फोन को ठीक करने का तरीका क्या है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको देने वाला हूं वो चाइनीज मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहली बात क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं कि हमारे पास जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं जिनको हम चाइनीज मोबाइल फोन कहते हैं, चाइनीज मोबाइल फोन में तुम्हारे MI आ जाते हैं, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, टेक्नो है, लावा है, कार्बन है, कोई भी मोबाइल फोन आ जाते हैं। तो चाइनीज मोबाइल फोन की जो रिपेयरिंग होती है वो टोटली रिपेयरिंग CPU पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है दोस्तों? CPU पे डिपेंड है। अब हमारे मोबाइल फोन में, चाइनीज फोन के अंदर जो CPU आते हैं वो सबसे पहला CPU आता है क्वालिकॉम CPU, उसके बाद दूसरा CPU आता है MediaTek CPU, उसके बाद तीसरा CPU आता है SPD CPU। तो हमारे पास जो मोबाइल फोन आते हैं वो तीन कैटेगरी के CPU के मोस्टली मोबाइल फोन आते हैं, चाहे वो तुम्हारा MI का फोन हो, लावा का फोन हो, या तुम्हारे पास वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है, किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन है। और उस मोबाइल फोन के अंदर इतने चार तरीके के CPU आते हैं, और चार तरीके के जो CPU आते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आती है, उनमें सबसे पहली बात कोई भी लॉक लग जाता है या किसी भी प्रकार का, या उसमें FRP लॉक लग जाता है, या तो उसमें MI अकाउंट लग जाता है, इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो किसी भी तरीके की समस्या आती है तो समस्या को हम लोग इसके माध्यम से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो आज चाइनीज मोबाइल फोन के अंदर CPU के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे ठीक करेंगे, CPU वाइज हम लोग थोड़ा सा आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो अनलॉक टूल है, ये हमारा अनलॉक टूल ओपन हो गया है। अनलॉक टूल ओपन होने के बाद दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, क्वालिकॉम CPU, उसके बाद ये तुम्हारा MediaTek, और उसके बाद ये स्पेक्ट्रम। ये तीन तरह के CPU आते हैं जिनके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन की रिपेयरिंग करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ, स्पेक्ट्रम, MediaTek, क्वालिकॉम। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। अगर आप तीनों CPU को समझ गए ना तो सॉफ्टवेयर लाइन के आप राजा हो जाएंगे, राजा, अगर आपने तीनों CPU का खेल समझ लिया। क्योंकि मोबाइल फोन को जो बनाने वाला है असलियत में अगर देखा जाए तो CPU है। जो ऐसे पर्सन है जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर किसी भी लाइन पर अगर रिपेयरिंग पे अच्छी महारत हासिल करना चाहते हैं तो CPU को पकड़ लीजिए। CPU हमारा दिमाग है, मोबाइल फोन का मेन जो है वो CPU है। अगर आपने CPU को समझ लिया तो पूरा खेल समझ में आ गया। तो हमारा जो क्वालिकॉम CPU है, MediaTek CPU, स्पेक्ट्रम CPU, तीन तरह के CPU के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जो बात करेंगे वो क्वालिकॉम CPU के बारे में बात करेंगे। यदि हमारे पास कोई क्वालिकॉम CPU का मोबाइल फोन आ जाता है तो उस क्वालिकॉम CPU को रिपेयर करने के लिए ये हमारे दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक तो पहला ऑप्शन आता है फ्लैश, दूसरा आता है डायग्नोस्टिक पोर्ट। तो जो डायग्नोस्टिक पोर्ट होता है इसके माध्यम से हम लोग IMEI नंबर को राइट कर सकते हैं, या QCN फाइल को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट IMEI नंबर को भी राइट कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, फ्लैश का ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लैश का मतलब होता है मोबाइल फोन को आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। अब फ्लैश के अंदर देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोटेक्टेड AFS, अगर आप शो ऑल में क्लिक करेंगे तो शो ऑल आ जाएंगे, रीड है, फुल फ्लैश है, ये सारी डिटेल आप इसमें ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास किसी भी तरह का कोई भी मोबाइल फोन आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, ये इसके सारे फीचर दिए हुए हैं। मोबाइल फोन को क्या करेंगे, सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर देखिए सारे फीचर दिए हुए, मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा टिक कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। आपका कोई भी मोबाइल फोन होगा तो वो मोबाइल फोन जब आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल फोन पोर्ट बना लेगा, आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे कनेक्ट होगा, यहाँ पर लिख करके आएगा क्वालिकॉम SH COM 3, ऐसे आपको मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया। जब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया, अगर आप उस मोबाइल फोन के अंदर रीसेट MI क्लाउड, अगर MI अकाउंट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर आप उस मोबाइल फोन में FRP हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे,
अगर आप उस मोबाइल फोन का सेफ मोड फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद सभी तरह के जो भी लॉक लगे हैं सारे लॉक हमारे ब्रेक हो जाएंगे। यदि क्वालिकॉम सीपीयू के अंदर इरेज हार्डवेयर या होनर आईडी लगी है तो उसको भी यहां से आप बाईपास कर सकते हैं और वाइप डाटा कर सकते हैं। तो जितने भी सारे फीचर हैं सारे फीचर का आप यूज करेंगे, यूज करने के बाद आपके मोबाइल फोन में लॉक खुल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, फोन कनेक्ट हो जाएगा। फोन कनेक्ट होने के बाद आप जैसे ही इरेज एफआरपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद आपके मोबाइल फोन का लॉक खुल चुका होगा। तो ये कौन सा मोबाइल फोन का हम लोग लॉक खोलेंगे, क्वालिकॉम सीपीयू। किसका खोलेंगे, क्वालिकॉम सीपीयू को खोलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, यदि हमारे पास मान लिया मीडियाटेक सीपीयू आ जाता है, मीडियाटेक सीपीयू को लॉक खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीडियाटेक पे क्लिक करेंगे। मीडियाटेक में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे जो देखेंगे ये सारे हमारे फीचर खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन खुलता है फ्लैश का, दूसरा ऑप्शन खुलता है मेटा मोड का, तीसरा खुलता है एमटीके वन क्लिक का। तो फ्लैश वाले ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन को फ्लैशिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी स्कैटर फाइल को लोड कर दिया जाता है, हमारा फोन फ्लैश हो जाता है। यहाँ पर मेटा मोड पे हम लोग मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, जिससे हमारे मोबाइल फोन का पासवर्ड टूट जाता है, पासवर्ड ब्रेक हो जाता है मेटा मोड द्वारा। एमटीके वन क्लिक यूनिवर्सल दिया हुआ है, इसमें कोई भी मोबाइल फोन आता है आप इसको कनेक्ट करिए, उसको फॉर्मेट कर दिए। सबसे पहली बात, इसके अंदर दो तरह के फीचर आते हैं, जेनेरिक फीचर आता है, दूसरा स्पेशल फीचर आता है। अगर आप जेनेरिक में क्लिक करेंगे तो जेनेरिक में क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉर्मेट यूजर डाटा का, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी करता हूँ। ये फॉर्मेट यूजर डाटा पे क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप इसमें इरेज पे क्लिक कर देंगे, एफआरपी पे कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन का एफआरपी हट जाएगा। बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जो ओप्पो रियलमी के मोबाइल फोन आते हैं, उसके अंदर एक ऑरेंज मोड लिख करके आ जाता है। तो जैसे ही आप फोन को कनेक्ट कराएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन जो ऑरेंज मैसेज आता है वो ऑरेंज मैसेज हट जाएगा। तो ये फोन को फॉर्मेट करने के लिए है, इरेज एफआरपी हटाने के लिए, ऑरेंज मोड को हटाने के लिए ये फीचर आप इसके माध्यम से आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा फीचर आता है स्पेशल टास्क। स्पेशल में आप जाएंगे, स्पेशल का फीचर आता है, स्पेशल में आप जाएंगे, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर एमआई अकाउंट लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों, एमआई अकाउंट लगा होता है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे एमआई डिसेबल एमआई क्लाउड। जैसे एमआई डिसेबल एमआई क्लाउड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का एमआई क्लाउड क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। जैसे एमआई क्लाउड डिसेबल हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, एमआई अकाउंट बंद हो जाएगा, यहाँ फोन की कनेक्टिविटी होगी और सॉफ्टवेयर चलेगा और आपके मोबाइल फोन का एमआई अकाउंट हट जाएगा। ज्यादातर हमारे एमआई के मोबाइल फोन आते हैं, अगर उसमें एमआई अकाउंट लग जाता है तो हम यहाँ से माध्यम से हम लोग एमआई अकाउंट को हटा सकते हैं। और जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर एमआई अकाउंट को हम लोग आसानी से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास यदि एसपीडी सीपीयू का मोबाइल फोन आता है तो एसपीडी सीपीयू को मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए अगर उसमें किसी भी तरह का लॉक लग जाता है तो यहाँ पर फॉर्मेट डाटा पर क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा, लॉक खुल जाएगा। यहाँ पर इरेज एफआरपी पर क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन का एफआरपी ब्रेक हो जाएगा। और प्राइवेसी पासवर्ड तोड़ने का भी इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। प्राइवेसी पासवर्ड का मतलब होता है जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने गैलरी पे पासवर्ड लगा देते हैं, सेटिंग पे पासवर्ड लगा देते हैं या किसी भी चीज़ पे पासवर्ड लगा देते हैं, तो उस पासवर्ड को हम लोग यहाँ के माध्यम से हम लोग हटा सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मेट करने से हमारे मोबाइल फ़ोन के सारे लॉक खुल जाते हैं, इससे हमारे मोबाइल फ़ोन में एफआरपी खुल जाता है, इससे हमारे फ़ोन में प्राइवेसी लॉक खुल जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर जी क्या इसमें एमआई अकाउंट भी खुल जाएगा, लेकिन मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि अब तक एमआई कंपनी ने कोई भी मोबाइल फ़ोन अपना एसपीडी सीपीयू को फिलहाल नहीं निकाला है, तो एमआई अकाउंट जो रहता है सिर्फ एमआई के फ़ोन में ही लगता है। अब एमआई का फ़ोन में जब एसपीडी सीपीयू आएगा तभी एमआई अकाउंट अनलॉक करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो फिलहाल अभी तक नहीं आया। तो कोई भी एसपीडी सीपीयू के अंदर आपका एमआई अकाउंट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हो ही नहीं सकता। या एसपीडी का अगर देखा जाए तो एसपीडी सीपीयू है अभी एमआई के पास नहीं पहुंचा है, आप ये भी बात को कह सकते हैं। तो ये हमारा जो आज दोस्तों मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है वो हमारे पास जो एसपीडी सीपीयू आते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर रिपेयर करने का तरीका बताया है। चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशिंग का भी समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल फोन आ जाता है, उस मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना चाहते हैं
तो फ्लैशिंग करने के लिए यहाँ पर आप ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आईटेल का फ़ोन आ गया तो आईटेल का ले लीजिए। आईटेल का फ़ोन आने के बाद आईटेल का कौन सा मॉडल आता है उस मॉडल को यहाँ से ले सकते हैं। जो भी मॉडल आता है उस मॉडल को यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसको इस क्लिक से आप हटा दीजिए। एक क्लिक से हटाने के बाद आप यहाँ पर पैक फाइल में जाएंगे, ये बोलेगा लोड पैक फाइल। अब आप देखेंगे आपकी पैक फाइल कहाँ है, ये आपका माई कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा। जैसे आप देखेंगे हमारे पास सैमसंग B110 फ्लैश फाइल की पड़ी है, जो हम लोगों ने एक दिन मोबाइल फ़ोन को ठीक किया था, अपने बच्चों को क्लास में सिखाया था, तो वो ओपन पैक फाइल को आप ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करेंगे तो आपकी पैक फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। पैक फाइल ओपन होने के बाद आपका जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में कंप्यूटर से जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर पोर्ट बनाएगा, यहाँ पर आपका पोर्ट बनाएगा कि COM 7 5 जो भी बनाएगा, और आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर सॉफ्टवेयर चढ़ना शुरू हो जाएगा और सॉफ्टवेयर आपका चढ़ जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इसके माध्यम से हम जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फोन फ्लैशिंग कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन खुल करके आ गई है, जो भी फाइल होती है वो फाइल हमारी यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो इसके माध्यम से जैसे ही आप फाइल को लोड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो देखिए जितने भी सारे फीचर हैं सारे फीचर हमारे क्या हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। तो हमारे कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो वर्किंग करने पर ही हाईलाइट होते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर ओपन होकर के आ जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग उसका FRP हटा सकते हैं, या उसको पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हैं, या फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो क्वालिकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम तीन कंपनी को मोबाइल फ़ोन आते हैं, तीन कंपनी के मोबाइल फ़ोन को हम लोग किस तरीके से रिपेयर करते हैं, तो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों अनलॉक टूल के माध्यम से क्वालिकॉम, मीडियाटेक, SPD इन तीन कंपनी के चाइनीज कंपनी के मोबाइल फ़ोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, या चाइनीज कंपनी नहीं कह सकते, चाइनीज CPU कंपनी वाले मोबाइल फ़ोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, वो मैंने आज आपकी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें और एक मैसेज भी करें ताकि हम ये भी समझ सकें आपको सारी वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दोस्तों मैं अनलॉक टूल के बारे में आपको पूरा वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप इस अनलॉक टूल के माध्यम से वीडियो के बारे में अच्छे से समझ सकें। बहुत ऐसे दोस्त हैं मुझे कमेंट किया था कि सर आपने जो वीडियो मुझे भेजा हुआ डोंगल के बारे में, तो मैं डोंगल को खरीद करके आज मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। 1-2-4 मोबाइल फ़ोन को ठीक भी कर पा रहा था। काफ़ी टाइम पहले मैंने सॉफ्टवेयर का काम सीखा था, लेकिन सीखने बाद हमको पूरा जानकारी नहीं मिल पाया ना सर, इस तरीके से हमको अच्छा ट्रेनिंग मिला, अच्छा जब ट्रेनिंग नहीं मिला तो हम पूरा काम नहीं कर पाए, तो फिर हमने सॉफ्टवेयर का काम छोड़ दिया। लेकिन जब से आपकी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सर कुछ सीख सकता हूँ या सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा काम कर सकता हूँ। तो वो लोग अपना डोंगल भी मंगा रहे हैं, डोंगल हमसे भी मंगा रहे हैं और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम अपना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हमें भी अच्छा लगता है कि सर हम आपको जब इतना मेहनत करके वीडियो देते हैं, अगर टाइम की बात करें रात में 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, इतने टाइम के बाद अगर मैं टाइम को हाईलाइट करने की अगर बात करता हूं तो यहां पर देखेंगे 9:46 हो रहा है। ये देखिए दोस्तों यहां पर देखिए 9:46 हो रहा है। ये देखिए ये टाइम कितना बज रहा है इसमें घड़ी में, 27/2023 फ्राइडे फरवरी जनवरी 9:46। 9:46 हो गया तब भी हम आपको वीडियो बना करके देते हैं। तो ये सर हम आपको वीडियो इसीलिए मेहनत करके देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आपको मिलें, और हम पूरा दिन अपनी क्लास कराते हैं, पूरा दिन क्लास कराने के बाद भी हम आपको वीडियो इसीलिए बना करके देते हैं ताकि वो वीडियो हेल्पफुल रहें। और आप जब उसमें पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि सर हमको भी वीडियो के माध्यम से बड़ा अच्छा सीखने को मिल रहा है, या हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं या पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि सर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल हैं और वीडियो आपके लिए मदद कर रही हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो इसीलिए बनाई जाती है ताकि समाज में लोगों की मदद करे, अगर मदद नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपकी वीडियो आपके हेल्पफुल होनी चाहिए। तो वीडियो में आपको कैसा समझ में आ रहा है, वीडियो में आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल रही कि नहीं मिल रही है, वीडियो में ज़रूर अच्छे तरीके से देखते रहें। तो ये वीडियो मैं आपको इसीलिए देता हूँ ताकि आपकी वीडियो हेल्पफुल हो सके
और अगर मैं आपको कहता हूँ कोई भी वीडियो अगर मैं आपको बना कर देता हूँ, अगर वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो दोस्तों हमारा जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है 6391711711 और 6391211211, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में सर अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ समझना चाहते हो समझ सकते हैं। और अगर आप पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें या मेरे से बात हो जाएगी, अगर मैं क्लास में बिजी हूँ नहीं किसी कारण बस बात हो गई तो आपको अमित सर से बात होगी, जो आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको समझाएंगे या बताएंगे या आप उनसे समझ पाएंगे अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अच्छी से ट्रेनिंग ले सकते हैं और क्या हमारा सीखने का खर्चा आएगा, कैसे हम लोग सीखेंगे, हम लोग इतना दूर से बाहर से दिल्ली बम्बई कलकत्ता बिहार असम झारखंड MP गुजरात भोपाल यहाँ तक कि नागपुर, बहुत ऐसे दूर दूर के बच्चे हैं जो अपना ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए भी एक हेल्पफुल रहता है कि भाई हम उतना दूर से सीखने के लिए आएंगे तो हमको सब चीज़ अच्छे से हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। और वीडियो के माध्यम से एक दोस्तों बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएंगे तो अच्छी तरीके से कंप्लीट सीख करके जाएंगे, और हम आपको वीडियो इसीलिए बना करके देते हैं ताकि आपको हेल्पफुल हो, आपकी मददगार शामिल हो और सीख करके आप ये समझ सकें कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कोर्स कितना आसान तरीके से सीखा जा सकता है। और दुनिया जहान में अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं, या दुनिया जहान की मैं बात नहीं कहना चाहता कि जिन लोगों ने इस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है MMC लेवल है OCA लेवल है iPhone है इस तरीके से बहुत सारा एक ब्रॉड कोर्स के रूप में बना रखा है ताकि वो अलग अलग तरीके से फीसेस कलेक्शन को ले सकें। लेकिन मैं आपको बात आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आप मेरे पास सीखने के लिए आएंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेंगे या अच्छे से सीख करके जाएंगे, और अच्छे तरीके से सीखने के बाद आपको अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का दुकान कैसे चलाना है, अपनी शॉप कैसे रन करनी है, किस तरीके से सीख करके काम करना है, या अपना बिजनेस करने का तरीका क्या होगा, अपना बिजनेस करने का सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख करके या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ले करके या इसके एक स्किल ले करके और हम अच्छी तरीके से पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, वीडियो आपको कैसा समझ में आया, वीडियो के बारे में आपको एक एक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली, अगर कोई भी डाउट्स कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो हमारा बनाने का पर्पज़ ही यही है कि वो वीडियो आपके लिए मददगार हो, वे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप उस वीडियो के माध्यम से आप लर्न कर सकें, वीडियो को दो चार चीज़ें सीख सकें। और आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग सेंटर की कम से कम 15-20 वीडियो को देखें। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है कम से कम काफ़ी साल से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो ट्रेनिंग लेकर के जा चुके हैं आज अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। ये 2012 से पुराना YouTube का चैनल है जहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बच्चे आए आज सीख करके सफलतापूर्वक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी दिन में फ्री रहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पर कैसे सर क्लास कराते हैं, वहाँ पर कौन कौन से लोग सिखाते हैं या और भी बच्चे सारे कैसे सीखेंगे, तो वो आप दिन में कभी भी वीडियो कॉल करके फ्री कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज मैं बात कहना चाहूँगा कि आज हमारे पास एक लोगों ने हमसे संपर्क किया जो नेपाल के रहने वाले हैं और वो वैसे मलेशिया में जॉब करते हैं, तो उन्होंने मैसेज किया कि सर मैं आपकी वीडियो को देख करके मुझे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में पहले इंटरेस्ट था लेकिन मैं नेपाल में था तो मैं सारा काम छोड़ छाड़ करके मैं मलेशिया चला गया। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से कॉलिंग करी, तो मलेशिया जाने के बाद कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं लगा कि मैं इस लाइन में काम करूँगा अभी कि नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने जब मुझे फ़ोन करके ये बताया कि सर आपकी वीडियो देख करके मुझे इतना इंटरेस्ट फील हुआ, इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि चलिए मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम मुझे सीख लेना चाहिए, तो उन्होंने अपने एक वहीं पर लैपटॉप का अरेंजमेंट किया है और अपने कह रहे हैं कि सर मैं जितने भी सारे टूल्स हैं उनका अरेंजमेंट करूँगा और वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपकी वीडियो के माध्यम से सीख रहा हूँ, सर आप मेरे से ट्रेनिंग से जो फीस लेना चाहें आप मेरे से फीस ले लीजिए, मैं अभी सीखने के लिए नहीं आ सकता, मैं बाद में आऊँगा, लेकिन फिलहाल
मैं आपका जो काम है वो मैंने यहीं पर स्टार्ट कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें मेरी हॉबी थी, क्योंकि देखो एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में वर्किंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उनके दिल के अंदर एक हॉबी होती है। उनके दिल के अंदर एक हॉबी ये होती है कि यार भाई मैं जिस लाइन से काम कर रहा हूँ मैं हमेशा लगता उसी लाइन में काम करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा या मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर करेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का अपना पूरा काम कर लिया या जो आदमी अपना मिस्त्री टाइप का आदमी होता है, टेक्नीशियन टाइप का आदमी होता है, इलेक्ट्रीशियन टाइप का आदमी होता है, वो कभी ज़िंदगी में कभी किसी के दबाव में नहीं काम करता, ना किसी के अभाव में काम करता है। वो अपनी मस्ती के साथ में काम करता है और अपने खुद हैंड स्किल का मालिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कल को